ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि और भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे हरि बोल जो रामानंद राय का भगवान श्रीमन महाप्रभु के साथ मिलन हुआ। स्वाभाविक प्रेमा दोहार उदय करिला दुहा आलिंगिया दोहे भूमेते पड़िला, इस पे हम लोगों ने पिछली बार चर्चा करी थी। क्यों इनका जो प्रेम है उसे स्वाभाविक बताया गया और क्यों ऐसा है कि आज जो चैतन्य है वो भी अचेतन हो गए। दोहा अलिंगिया दोहे भूमि ते पड़ीला, और जिस प्रकार दोनों के भीतर प्रेम उदय हुआ तो प्रेम के उदय होते ही प्रेम के जो विकार हैं, जो प्रमुख तौर पे अष्ट विकार हैं, जैसे जो आठ हैं, जो सात्विक विकार हैं, वो सात्विक विकार उनके भीतर उदय हुए। श्री रामानंद राय के भीतर भी और श्रीमन महाप्रभु के भीतर भी, उनमें से छह अष्ट सात्विक विकार की अगले पयार में चर्चा हुई। स्तंभ स्वेद अश्रु कंप पुलक वैवर्ण ने दोहार मुखे ते सुनी गद गद कृष्ण वर्णा। स्तंभ स्वेद अश्रु कंप पुलक वैवर्ण, ये अष्ट सात्विक विकार है और ये उन्हीं भक्तों के भीतर उदय होते हैं जिनके भीतर श्री राधा रानी श्री युगल के प्रति अतिशय राग है। राग की अवस्था में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। आप लोग कहो कि नहीं, अभी मैं भी कई बारी कुछ ऐसा दृश्य देख लेती हूँ, कुछ ऐसा पढ़ लेती हूँ तो मेरी आंखों से भी अश्रु आने लगते हैं, तो उनको जल्दी में इतनी अष्ट सात्विक विकार नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि हम उस राग की अवस्था में नहीं है, अभी हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है। तो अभी हम सुबह अपने बच्चे के लिए रो रहे थे, शाम को कृष्ण के लिए रो पड़े पढ़ते पढ़ते, तो इसे अष्ट सात्विक विकार नहीं बोलते। अगले दिन अपनी सास की लड़ाई से रो रहे हैं और फिर दोपहर को किताब पढ़ के कृष्ण के लिए रो रहे हैं, ऐसा नहीं। अष्टसात्विक विकार उन भक्तों के भीतर उदय होते हैं जिनको अपने देह की सुध बुध नहीं है, जो ऐसा जीवन व्यतीत करें जिन्हें अपने देह दैहिक आदि जितनी गतिविधियां हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनसे ऊपर उठ चुके हैं और उनका अतिशय कृष्ण राग जो है वो, या यूं समझो कि एक स्थाई भाव राग जो है वो राग की अवस्था में पहुंच चुके हैं। ऐसे भक्तों के भीतर जो विकार आते हैं उन्हें अष्ट सात्विक विकार बोला जाता है। तो सबसे पहले श्रीमन महाप्रभु और रामानंद राय के भीतर जो अष्ट सात्विक विकार आया वो बताया स्तंभ। दोनों एक दूसरे को देखकर स्तंभित हो गए। पहले जैसे ही आमना सामना हुआ, थोड़ा परिचय हुआ, हालांकि जानते तो थे ही कि रामानंद राय हैं, ये हमने पीछे एक दो सत्र पहले चर्चा करी थी कि मालूम तो है ही यही रामानंद राय हैं। तो जैसे ही स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही स्तंभित हो गए। स्तंभित यानी
एकदम स्टिल हो गए, स्तंभ बिल्कुल ऐसे जैसे थे वे मूर्तिमान हो गए। जैसे ये स्तंभ जो है ये तीन अवस्था में अष्ट सात्विक विकार के रूप में आता है। एक तो हर्ष जनित स्तंभ होता है कि आप बड़े प्रसन्न हो गए, तो जैसे इसका श्री भक्ति रसामृत सिंधु में उदाहरण दिया गया कि उद्धव जी जब विदुर जी को बता रहे हैं, ये भागवतम में आता है, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया उदाहरण के रूप में आता है, ये श्रीमद् भागवतम में है तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में। उसमें उद्धव जी और विदुर जी आपस में मिले हैं तो चर्चा कर रहे हैं, तो उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं कि मैंने ब्रज में क्या देखा कि गोपियां जो हैं वो माखन चुरा के और कृष्ण का इंतजार करते हैं कि कब लालो आएगा, क्या करके माखन छुपा के, आयरनी है, माखन छुपा के इंतजार कर रहे हैं कब लालो आएगा, पहले माखन छुपा रहे हैं कि वो देख ना पाए और फिर इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आके चोरी कर ले। तो जो हम लीलाओं में पढ़ते हैं कि गोपियां जो हैं ब्रजंगनाएं जो हैं जो वरिष्ठ ब्रजंगनाएं हैं वो माता यशोदा के पास लेके जाती थी कि देखो ये हमारी बार बार माखन चुरा लेता है, यहाँ पे चोरी करता है, ये करता है, बोलते ये उनके आनंद का विषय है कि कब वो ऐसे तरसती थी कि कब लाला मेरे यहाँ आए और मैं उसको पकड़ के लेके जाऊं, और जब दूसरी लेके जा रही थी तो ललायत होती थी कि आए उसके यहाँ चला गया, मेरे यहाँ आता तो मैं हाथ पकड़ के लेके जाती। तो बोलते जैसे ही जो एक गोपी उनको लेके जा रही है और जब दूसरी गोपियां देख लेती कि आज लाला हमारे यहाँ पे आ गया, हमारी कॉलोनी में आ गया, हमारे पड़ोस के यहाँ आ गया और वो चोरी करके वो उसको लेके जा रही है, तो बोलते एक गोपी तो हाथ पकड़ के लेके चली जाती थी कन्हैया को और बाकी गोपियां जो हैं वो वहीं स्तंभित रह जाती थी, उनके जाने के बाद अब वो कुछ काम के लायक नहीं बचती थी। उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं ये मैंने स्वयं देखा है कि उसके बाद सब स्तंभित ऐसे ही रह गए, जैसे जैसे कन्हैया को जाते हुए देखा बस ऐसे ही देखती रह गई, अब काफी समय तक ऐसे ही रह गई कि वो आए और वो चले गए। और दूसरा स्तंभित होता है भय जनित, ये तो हुआ हर्ष जनित, यहां पे भी रामानंद राय जो है वो हर्ष जनित स्तंभित हो गए। और एक होता है भय जनित, भय जैसे देवकी माता ने जब कृष्ण बलराम जी को देखा, पंखा वंखा बंद करा दे तो पंखे के बाहर कृष्ण बलराम जी को जब देखा देवकी माता ने कि कंस ने इन्हें बुलाया है मल युद्ध के लिए और यहाँ तो इतने तगड़े तगड़े खड़े हैं जो रेसलर हैं जिनसे वो लड़ने के लिए बुला रहे हैं और मेरा काना जो है ये तो छोटा सा नाजुक सा, दिखने में तो कन्हैया नाजुक ही थे, जैसे एक बारी पहले काफ़ी चर्चा में आया था जब प्रभुपाद भी थे इस्कॉन में तो आज भी उनका वो पेंटिंग दिखाते हैं, एक जो फॉरनर माता जी थी वो पेंटिंग करना जानती थी, तो उन्होंने जब सुना कि कृष्ण जो है उन्होंने गोवर्धन उठा लिया और इतने इतने असुरों को मार दिया, तो बोलते उन्होंने कृष्ण का जो चित्र बनाया वो ऐसे बनाया जैसे ही मैन होता है ऐसे एकदम मसल वाला तो उनको फिर बताया नहीं ऐसे नहीं दिखते थे, बड़े कोमल दिखते थे, अब आप तो बोलते हो वो गोवर्धन उठा लिया ये कर लिया तो मेरे दिमाग में एक ऐसी इमेज आई बड़े मसल मैन होंगे, बोले नहीं ऐसे नहीं दिखते थे, किशोर अवस्था में बड़े कोमल दिखते थे, इतने कोमल की गोपियों को लगता था अगर ये अपने चरण जो है हमारे वक्ष पे रख लें तो भी इनके चरण हमारे वक्ष नुकीले हैं वो चुभ जाएंगे इनके चरण, इतने कोमल चरण। तो ऐसे कोमल से दिखने वाले कृष्ण जब आए वहां पे और इतने बड़े बड़े मल योद्धा वहां पे खड़े हुए हैं एकदम जो अखाड़े वाले जिस टाइप के होते हैं ऐसे मल योद्धा खड़े हैं, तो बोलते देवकी माता उस समय जो है वो भय जनित स्तंभ हो गई, क्या है अब क्या होगा, ये कैसे युद्ध होगा, ये कौन सी बराबरी हुई कि इसको बुला लिया, तो भय जनित स्तंभित हो गए उस समय। और एक होता है आश्चर्य से, एकदम इतना हैरान हो गए, छोटा मोटा ये विकार हमारे भीतर भी आ जाता होगा, आश्चर्य से एकदम ऐसे रुक गए, एक्टिंग ही करते हैं हम लोग जब आश्चर्य की तो ऐसे ही करते हैं कि एकदम ऐसे देखने लग गए, तो आश्चर्य से भी स्तंभित हो जाते हैं। इसका उदाहरण बताया जब ब्रह्मा जी जो है ये दसवें स्कंद के तेरहवें अध्याय में आता है, ब्रह्मा जी ने
ब्रह्म विमोहन लीला जो हम सबने पढ़ी है, उसमें जब उन्होंने गोप ग्वाल और बछड़े जो हैं वो चुरा के ले गए, क्योंकि वो समझते थे कि ये भगवान नहीं है, ये कोई नाटक करता है, छोटा सा बालक अपने आप को भगवान बताता है, अभी इसको मजा चिखाता हूँ। तो जितने बछड़े और जितने उनके ग्वाल बाल सखा थे वो सबको चुरा के ले गए, और एक वर्ष लग गया उन्हें कि वो ऊपर गए नीचे आए, और जब उन्होंने देखा तो जितने ग्वाल बाल और बछड़ा वो लेके गए थे वो सब ग्वाल बाल और बछड़ा वहीं के वहीं वृंदावन में उनके साथ ही खेल रहे हैं। जब ऐसा ब्रह्मा जी ने देखा तो बोले आश्चर्य से ब्रह्मा जी के चारों मुख का मुंह जो है वो खुला रह गया कि ये क्या हो रहा है, ये सब के सब बछड़ा सब के सब वहीं सखा यहीं खेल रहे हैं, तो आश्चर्य से वो स्तंभित हो गए। ये उदाहरण बहुत सारे हैं, अभी तो एक है मतलब लेकिन भाई जने तो उसका नहीं हुआ था, उसका नहीं हुआ है। तो देवकी माता का वहां पे हो गया था, कंस का नहीं हुआ था। और जब ब्रजवासियों ने भी देखा कि कृष्ण ने गोवर्धन जो है वो एक उंगली में उठा लिया, कौन से ब्रजवासी, जो उनके सखा थे, सखाओं ने देखा रोज तो हमारे साथ खेलता है, हम इसकी पिटाई भी कर देते हैं, हार भी जाता है हमारे साथ, कई बार मल्लयुद्ध होता है तो उसमें कृष्ण हार जाते थे, तो बोले हम इसको हरा भी जाते हैं, और बतेरी बार तो हम इसको कांधे पे उठा के लेके गए हैं, कोई इतना तो ये तगड़ा है नहीं, और आज क्या देख रहे हैं कि एक उंगली में अपने गोवर्धन उठा लिया, वो भी बाएं हाथ की सबसे छोटी कमजोर उंगली में, कैसे इसने उठा ली। तो ये आश्चर्य से जो सखा थे वो सखा देख के बहुत देर तक स्तंभित रह गए कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी अवस्था कृष्ण की हो गई। हालांकि ऐसा भी बताया जाता है कि इसी में यहाँ पे पृथ्वी का, जैसे आगे एक आएगा कि पुलक रोमांच हो जाता है, रोमांच भी एक अष्ट सात्विक विकार है, तो बोलते पृथ्वी का भी जब पृथ्वी पे भगवान के चरण पड़े, जितने समय कृष्ण वहां पे रहे तो बोलते कृष्ण जो पृथ्वी है वो पुलकित रहती थी, रोमांचित रहती थी पृथ्वी, क्योंकि भगवान देखो कहीं मथुरा गए, द्वारका गए, कहीं वृंदावन में गए, कहीं गोकुल में गए, कहीं राधाकुंड में गए, पर पृथ्वी पे तो हर समय उनके चरण पड़ रहे हैं, अलग अलग उन्हीं का वपु है सारा पृथ्वी का। तो बोले पृथ्वी बड़ी हर्षित थी जब कन्हैया आए, कृष्ण आए, तो पृथ्वी बहुत हर्षित थी कि इनके चरण तो हर समय मेरे पे ही रहते हैं, और उनके चरणों के कारण वो इतनी पुलकित रहती थी कि बोलते उस समय जगह जगह बहुत हरियाली हो गई थी, ब्रज में भी आते ही बहुत हरियाली, गोवर्धन में भी बोलते गोवर्धन को भगवान स्पर्श करते थे, गोवर्धन पे चढ़ते थे तो गोवर्धन के प्रेम से अश्रु बहते थे, जिन्हें उस टाइम पे झरने बोला जाता था, कि आज हम ऐसा दृश्य नहीं देखते लेकिन उस टाइम गोवर्धन से झरने बहते थे जल के, शीतल जल के, सारे जितने ब्रजवासी हैं वो गोवर्धन के झरने का ही जल पान करते थे, यहाँ तक कि पशु पक्षी जितने हैं वो भी वहाँ झरने में ही पानी पिया करते थे, इतना मीठा जल। तो वो बोलते वो गोवर्धन के अश्रु थे, वो पुलकित था, और पृथ्वी बोलते ऐसी रोमांचित हो गई थी कि पृथ्वी के रोमांच से ही गोवर्धन जो है वो उन्हीं के रोमांच, उन्हीं के रोम का एक हिस्सा है। और जब भगवान ने बोलते गोवर्धन को उठाया, कई प्रेमी लोग ऐसे भी बोलते हैं, बोलते ठाकुर ने इतनी बड़ी कौन सी बात कर दी, गोवर्धन उठाया, अच्छा बताओ गोवर्धन कौन है, गोवर्धन स्वयं कृष्ण है, गोवर्धन साक्षात कृष्ण है, तो कृष्ण ने अपनी उंगली पे किसको उठाया, कृष्ण को, तो बोलते वो तो एक ही वपु है, उठाया किसको, किसने किसको उठाया, वो तो कृष्ण ही है। तो बोलते उन्होंने अपनी जब एक उंगली पे वो रखा गोवर्धन, तो वो उनकी उंगली के साथ ही मिल गया, क्योंकि वो तो कृष्ण ही है, भेद थोड़ी है, वो भी कृष्ण है, वो भी कृष्ण है, तो बोले उठाया कहाँ है, उन्होंने तो बस हाथ ऊपर करे रखा, उनके हाथ पे गोवर्धन है, वो जुड़ गया उनके हाथ में, क्योंकि वो तो कृष्ण ही है। भाई आप किसी और को उठाओगे तो बल लगेगा ना, तो कोई और तो था ही नहीं। हाँ बोलते ब्रजवासी, बोलते हाँ बड़ी बात ये है कि कन्हैया ने 7 दिन हाथ उठा के रखा, बस ये बड़ी बात है, 7 दिन हाथ उठा लिया उन्होंने, एक हाथ उठा के रखा बस, हमने डंडे लगा लिए थे, तो कोई भार नहीं पड़ा, बोलते इतना भार उन्होंने उठा लिया, ये सखा बोलते थे, बोलते कोई भार नहीं पड़ा, और फिर अगर थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया हो तो सब सखाओं ने आके वहां पे अपना डंडा भी लगा दिया था। तो हालांकि उनके डंडे का अहंकार तो उन्होंने आखिरी में तोड़ दिया था, उन्होंने कहा हमारा तूने क्या किया, हमने डंडा लगा हुआ है, तो कन्हैया थोड़ी सी उंगली नीचे करी, सबके डंडे टूट गए। तो ब्रजवासियों का भी आश्चर्य से उस समय जो भाव है वो स्तंभित भाव उनका भी आ गया। फिर स्वेद, और क्या होता है, पसीने बहने लगते हैं बहुत जोर की,
ऐसा लगता है गंगा यमुना बह रही है, इतने पसीने बहने लगते हैं हम लोगों के भीतर जब ऐसा। तो सबसे पहले स्वेद भी कैसे आता है, बोलते हर्ष जनित भी स्वेद आता है, भय जनित भी स्वेद आता है और क्रोध जनित भी स्वेद आता है। क्रोध जनित जो है ये भी अष्ट सात्विक विकारों में ही है। हर्ष जनित जैसे एक बार ब्रज की लीला में आता है, जब किशोरी जी ने कृष्ण दर्शन किए तो उस समय मिलन की घड़ी नहीं थी, किशोरी जी जो हैं वो अपने ही घर के बाहर खड़ी थी। अब मिलन तो होगा संकेत कुंज में, भैया संकेत जहाँ दिया है वहाँ उस कुंज में जाके, लेकिन अभी कृष्ण से रुका नहीं गया, वो बोले भेष बदल के वो वहीं पहुँच गए, गोपी बन के भेष बदल के वहीं पहुँच गए। किशोरी जी की नज़रों से तो नहीं बच सकते, किशोरी जी ने जैसे ही देखा पहचान गई कि ये कन्हैया है। अब जो वो पहचान गई कन्हैया है तो जितने वहाँ के बोलते छोटे छोटे जो बच्चे थे बाल गोपाल थे वो भी कन्हैया को पकड़ के खींचने लगे, आकर्षण सर्व आकर्षण उनका भी हुआ, वो भी पकड़ के खींचने लगे। बोले उन्होंने एक छोटी सी पिताम्बरी बस ऐसे ही डाल रखी थी गोपी बनने, और तो कुछ किया नहीं था, वो भी बोले सब सरक गई, सबको दिख गया कि कृष्ण है। ज्यादा उस टाइम छुपा नहीं पाए, नहीं तो नाटक करते हैं तो बड़ा लंबा लंबा नाटक करते हैं जब चूड़ी वूड़ी बेचने जाते हैं, वो लीला भी आप जानते हो सब। तो उस समय बोलते ज्यादा नाटक चला नहीं, कृष्ण ऐसे गए और अचानक से रिवील हो गया कि यही कृष्ण है। और जब हुआ तो किशोरी जी के उस समय हर्ष से पसीने बहने लगे। अब पसीनों भी ऐसे नहीं कि भाई एक दो बूंद आ रही है, एकदम पसीना पसीना। अब वो घबरा गई कि मेरे ऐसे विकार आ रहे हैं और कोई अगर देख लेगा तो क्या होगा। और बोले साथ की उनकी जो जटिला है ननंद है जो कुटिला, तो कुटिला ने बोलते उनको बोला कि आपके ये इतने स्वेद क्यों आ रहे हैं। तो बोलते ये देखो ना ये कितनी गर्मी हो रही है, ये कितना पसीना आ रहा है, ये धूप कितनी है, तुम कैसे बाहर खड़ी रहती हो, चलो अंदर चलो अंदर चलो जल्दी बहुत गर्मी हो रही है, ये कह के उनको अंदर ले गए। तो छुपा के ले गई कि गर्मी से पसीना आ रहा है, और कुटिला जो है वो देख रही कि बाहर तो मैं भी खड़ी हूँ लेकिन ऐसा तो कोई स्वेद मेरे भीतर नहीं आ रहा। तो कृष्ण दर्शन से हर्ष जनित ये उदाहरण के तौर पर बताया कि कई बारी ऐसा हर्ष से भी इतना पसीना आने लगा। हम लोगों का आ जाए बंदा कहता बीपी लो गया, इसको कुछ कॉफी चाय पिलाओ। और भय जनित तो थोड़ा बहुत हम भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जब एकदम बहुत डर जाए व्यक्ति तो उसमें पसीना आता है। तो एक दिन बोलते द्वारका में कृष्ण जो है वो कौतुकवश उन्होंने अपना रूप जो है वो अभिमन्यु का बना लिया, और अभिमन्यु का रूप बना के बोलते वहां जो अश्वपाल थे वगैरह थे उनके पास गए, तो जो उनके रत्रक पत्रक भगवान के जो दास हैं जो दो, वो रत्रक ने जब देखा कि ये अभिमन्यु आया और ठीक से अभी इसको घोड़े पे चढ़ना भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो रत्रक ने बोलते उनको काफी कठोर वचन से डांट दिया। अभिमन्यु को तो डांट ही सकते क्योंकि कृष्ण का दास है, जरा उनके साथ साथ रहने वाला है, तो अभिमन्यु के प्रति थोड़ा वात्सल्य भाव है। तो अभिमन्यु को जोर के डांट दिया। अब जब उसको जोर के डांटा तो बोलते कृष्ण ने अपना उस समय वही हटा के पर्दा और दिखाया कि वो अभिमन्यु नहीं कृष्ण है। तो जो ही बोलते रत्रक ने देखा कि ये कृष्ण है तो वो ऐसे भय से उसके भीतर विकार है कि उसके पसीने पसीने बह गए कि मैं कृष्ण को ऐसे कठोर वचन बोल दिया। और क्रोध जनित भी ये स्वेद विकार आता है, जैसे इंद्र ने बोलते जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो इंद्र ने बड़ी भारी प्रलय वाली वर्षा वहां पे प्रारंभ कर दी ब्रज में, और जब इतनी वर्षा करी तो उनके जो बादलों के भी ऊपर गरुड़ बैठे थे, उन गरुड़ को क्रोधवश ऐसे स्वेद आने लगा, इतने पसीने आने लगे गरुड़ को क्रोध से इंद्र की ये ऐसी हरकत देख के कि ये भगवान के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन इंद्र इसलिए कर रहा था कि वो जानता नहीं था, बाद में इंद्र के भी विकार आ गए जब उसको पता लगा। उसके भय जनित विकार आ गए थे इंद्र के। तो इंद्र का भी उदाहरण है आगे वैवर्ण्य जो है, वैवर्ण्य में क्या होता है वर्ण अलग हो जाता है, जैसे बोलते हैं इसका रंग फीका पड़ गया, हम लोग वैवर्ण्य को ऐसे देसी भाषा में बोलते हैं, एकदम रंग फीका पड़ गया। तो इंद्र का रंग काला पड़ गया था, जब इंद्र ने आगे देखा कि यही कृष्ण है तो वो सफेद इंद्र जो है वो गोरा इंद्र जो है वो भी काला पड़ गया, एकदम इतना चेहरे का उसका रंग उतर गया। भगवान से रिलेटेड है ना, है तो हाँ है, तो जो 33 कोटि देवी देवता हैं वो सब भक्ति हैं। 33 कोटि मतलब 33, जैसे जो करोड़ नहीं 33, जैसे वो रुद्र हैं 11 रुद्र हैं और महाजन नहीं
वसु, और सात वो हैं, नहीं अष्ट, अष्ट वसु हैं, एक आठ वसु हैं, ग्यारह रुद्र हैं और बारह एक हैं और दो अश्विनी कुमार हैं, तो बारह ग्यारह तेईस, आठ इकतीस और दो अश्विनी कुमार तैतीस, तो तैतीस कोटि देवी देवता, मतलब जो तैतीस प्रमुख देवी देवता है, ऐसे कोटि से मतलब करोड़ नहीं, करोड़ नहीं होता एक किसी एक कोटी के कम ऐसे? जानने वाले ने कोटी को करोड़ कह दिया, करोड़ नहीं होते, तैतीस कोटी होते हैं ये, कोटी के हाँ नहीं तैतीस नहीं कोटी बोलते हैं, जैसे जैसे बोलते इस कोटी का भक्त होना चाहिए, क्लास क्लास सुप्रीम क्लास, तो तैतीस सुप्रीम क्लास उनको बोलते तैतीस कोटी देवी देवता, सूर्य देव भी होते नहीं, तो तैतीस करोड़ नहीं है, तैतीस कोटी है, वो तैतीस कोटी है, सूर्य 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 चंद्र सब आते हैं उसमें, ये जो मुख्य प्रमुख जितने हैं ये सब आएंगे, तो खैर तो क्या, तो इसलिए इंद्र को भी वो अष्ट सात्विक उस समय विकार आया, क्योंकि है भी कृष्ण जनित ना, भगवान से ही रिलेट करके उनको वो विकार आ रहा है। फिर स्तंभ स्वेद अश्रु, आंसू बहने लगते, ये तो हमने महाप्रभु की लीला में भी चैतन्य चरितामृत में बहुत बार देखा है कि श्रीमन महाप्रभु के बोलते ऐसे अश्रु बहते थे कि जोर जोर से पिचकारी की तरह, जो सामने खड़ा है वो सारा गीला हो गया, इतने अश्रु बह गए, आंख से इतनी तेज आंसू निकल रहे हैं कि लोग हैरान होते थे, तब पानी इनके भीतर भी कैसे आ रहा है, जितना पानी बाहर निकल रहा है इतना है कहाँ, तो ऐसे तेज तेज अश्रु निकलते हैं कि सामने वाला गीला हो जाए, जैसे आप वाइपर मारते हो ना गाड़ी में ऐसे जोर की तरह, उनकी पेंटिंग, तो हर्ष जनित अश्रु भी निकलते हैं, दसवें स्कंद के साठवां अध्याय जो है उसमें दोनों उदाहरण है, हर्ष जनित भी और विषाद जनित भी, जब रुक्मणी और कृष्ण का जो संवाद है जिसमें रुक्मणी जी कृष्ण के पास आती हैं, साठवां अध्याय है ये, तो उसमें रुक्मणी कृष्ण के पास आती हैं, उस दिन बहुत हर्षित है और उनको अपने कक्ष में पा के उनको जो चामर दुलाने के लिए आज रुक्मणी जी ने जितनी दासियां थी सबको भेज दिया, और हर्ष से प्रेम से खुद कृष्ण को चामर धुलाने आई, तो उस समय हर्ष से उनके इतने अश्रु बह रहे हैं कि वो अपने आप को इनकम्पेटिबल समझ रहे हैं कि यार इससे तो दासियां अच्छी थी, मैंने क्यों दासियों को हटा दिया, वो चली, क्योंकि अश्रु रुक नहीं रहे और वो सेवा करना चाहते, तो वो सेवा हो ही नहीं पा रही उनसे कृष्ण की, तो वो हर्ष जनित आए, और कृष्ण ने उसी समय बोलते कौतुक करते हुए उन्हें बोला कि अरे रुक्मणी जी आपने क्या हमसे विवाह कर लिया, हम तो भागने भूगने वाले लोग हैं, यहाँ से भाग गए वहाँ से भाग गए, वो इतने बड़ा आपको रिश्ता आया था शिशुपाल का, राजा था वो था, हम तो फकीर हैं, भाग के आ गए, किसी के यहाँ रह रहे हैं, हमारा कुछ है नहीं है, ये सब बोला। उस समय रुक्मणी जी बहुत भयभीत हो गई कि आज ये कभी भी ऐसे ही कोई बात तो करते नहीं है, तो आज ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई, शायद मैं ठीक से हवा तक नहीं कर पा रही इन्हें, तो इस वजह से शायद ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसा सोच के वो भयभीत हो गई, तो उस समय भय से उनके अश्रु आने लगे, पहले आनंद से अश्रु आ रहे थे, आनंद से अश्रु के बाद भय से अश्रु आने लगे, और रोष से भी अश्रु आते, गुस्से से गुस्सा आया सामने, हम तो हमारे को गुस्सा आया हम सामने वाले का अश्रु निकाल देते, अष्ट सात्विक विकार में जब गुस्सा आते तो अपने अश्रु निकलना शुरू हो जाते, क्योंकि प्रेम है अश्रु, जो जो गुस्सा भी कर रहे हैं उसमें भी प्रेम है, तो सत्यभामा का ऐसा कई बार आया कि सत्यभामा ऐसा क्रोधित होती थी जब भगवान पे, तो उनके स्वयं के भगवान के नहीं सत्यभामा के अश्रु निकलना शुरू हो जाते थे। स्तंभ स्वेद अश्रु कंप, कंपन कांपने लग जाते हैं, कांपने भी कब लग जाते हैं, ये भी एक सारे जितने विकार हैं ये हर्ष जनित तो होते ही हैं, तो हर्ष इतना हर्षित हो गए कि कांपने लग गए शरीर, उस समय कांपने लगा, ऐसा होता है कितनी बार ब्रजंगनाएं जो हैं वो जब कृष्ण को देखती थी तो उस समय वो कांपने लगती थी, अब सब ब्रजंगनाएं कोई किसी के साथ खड़ी है, किसी के पिताजी साथ में खड़े हैं, सब खड़े हैं, अब कृष्ण निकल रहे हैं, अब कृष्ण के निकलते देख के वो हर्ष से कांपने लगी, और हर्ष से बोलते इतनी तेज तेज कांपती थी कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कोई मिर्गी पड़ गई है, जैसे इतनी जोर की, मतलब ऐसे नहीं कि बस हल्का सा कांप रहे हैं हमें पता नहीं लग रहा, पूरा हाथ पैर सब इतने जोर के कांप रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक ही पलंग पे अगर बैठे हुए हैं तो वो पलंग पूरा हिलने लग जाएगा, इतनी जोर जोर की इतनी तेज कंपन हो जाती थी, तो बोलते ब्रज अंगनाओं में जब ऐसी कंपन होती थी तो, और कृष्ण निकल रहे हैं
उनको कंपन हो गई, अब देख रही है कि सब गुरुजन साथ में खड़े हैं, तो वो बोलते, वो क्या बोलती थी, हे पिताजी मेरे को जल्दी यहाँ से लेके चलो, ये कन्हैया को देख के तो मेरे को डर ही लगता है, ये तो पता नहीं जिस ब्रजंगना को एक बार देख ले, जिस गोपी पे नजर डाल ले, वो इसके पीछे पीछे चली जाती है, मैं डरती हूँ कहीं मैं साथ ना चली जाऊँ, भय के कारण मैं डर रही हूँ। जबकि भय से नहीं डरती थी वो उनको देख के हर्ष से कांपती थी, लेकिन साथ में बताने के लिए क्या बोलती थी कि मैं भय से कांप रही हूँ। तो वो उनको पकड़ के बोलते, जो साथ में पकड़ता था वो भी हिलने लग जाता था जैसे बिजली का झटका लगता है, इतने जोर की कंपन होती थी। तो भय जनित तो होता ही है, मगर इस समय इनको भय जनित नहीं, इनको हर्ष जनित होता था। और जो भय जनित होता है वो बोलते राधा रानी का भी उदाहरण है, जैसे एक बड़ी शंखचूड़ जो है वो असुर आया था किशोरी जी को पकड़ने, तो उस समय किशोरी जी को भय नहीं लगा जब वो पकड़ने आया, पर जब वो पकड़ने आया तो उन्होंने जोर से कृष्ण को पुकारा, और जब उन्होंने ब्रजेंद्र नंदन ऐसा कह के कृष्ण को पुकारा, तो कृष्ण को पुकारते ही उनके भीतर ये भाव आया कि अब ये मुझे ले जाएगा तो मैं कृष्ण से दूर हो जाऊंगी, अब ये पता नहीं कन्हैया मुझे कब मिलेगा कब नहीं। तुरंत जैसे ही ये भाव आया तो इस भय से उनके जो है शरीर कंपित हो गया, हुआ भय से, पर शंखचूड़ के भय से नहीं, विरह के भय से उनका वो शरीर कंपित हो गया। क्योंकि शंखचूड़ के भय से होने का फिर अष्ट सात्विक विकार में नहीं आएगा, पर उनके क्योंकि विरह से हुआ तो वो अष्ट सात्विक विकार में आया। क्रोध जनित बोलते जब शिशुपाल जो है, जब वहां पे यज्ञ के समय जो उल्टा सीधा भगवान कृष्ण को बोल रहा था, तो वहां पे बोलते नकुल और सहदेव जो खड़े थे, क्योंकि वो छोटे हैं बोल कुछ सकते नहीं थे, तो बोलते नकुल और सहदेव वहां पे जोर से क्रोध के कारण कंपित होने लगे बहुत जोर जोर से, और सबने देखा कि क्या अवस्था इन लोगों की हो गई, कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए कि ये शिशुपाल ऐसे बोल रहे, और क्रोध से उनका शरीर कंपित होने लगा। फिर एक विकार है पुलक, रोमांच, शरीर में सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। भगवान श्रीमन महाप्रभु के भी कई बार हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में, ऐसे विकार आते थे लीलाओं का सेवन करके, पढ़ के, चिंतन करके, कीर्तन करते समय विरह की अवस्था में, कि उनके रोम रोम पहले तो पुलकित होता था, और फिर पुलकित होने के बाद उत्कट विरह के कारण उसमें से स्वेद, और स्वेद के साथ कई बार खून भी निकलने लगता था उनके शरीर से। तो पुलक जो है ये हर्षजनित भी होता है, हर्ष से खुशी के कारण, जैसे हम बोलते हैं ना एकदम खुशी से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्स आ गए एकदम, तो खुशी से तो होता ही है। अभी पृथ्वी का भी जैसे बताया कि खुशी से ही पृथ्वी जो है वो पुलकित रहती थी, तो ऐसे ही गोपियां जो हैं जब रासलीला में भगवान निकल गए, अब गोपियां उनको ढूंढने गई, तो गोपियां ढूंढने गई तो देखिए जगह जगह पे पृथ्वी बड़ी पुलकित हो रही है, जगह जगह पुष्प खिल रहे हैं। अब इससे पहले, अब ये रास रजनी का जो देव, जो रास रजनी है वो तो है ही, पूर्णिमा की रात है तो उसमें अलग अलग प्रकार के और बहुत बहुत रंगों के पुष्प जो है वो निकले हुए थे, क्योंकि आज रास होना है, पृथ्वी भी जानती है, ऐसी वेणु वादन भी हुआ था, तो जितने वृक्ष थे उनके भीतर से भी शहद निकलने, बड़ी सुंदर दृश्य था। अब वही सुंदर दृश्य अचानक से बदल गया जब कृष्ण गायब हो गए, अब विरह की अवस्था हो गई, लेकिन जहां भी गायब हुए वहां पृथ्वी पे तो अभी भी चरण बढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी तो पुलकित ही थी, हर्षित ही थी, इससे पहले गोपियां भी हर्षित थी, इससे पहले गोपियों ने भी बड़ी तारीफ करी कि आज तो कितने पुष्प खिल रहे हैं, कितनी खुशबू आ रही है, सरोवर भी कितने कोमल हो गए हैं, क्या जल भी कितना इनका जल कितना वो लग रहा है, निर्मल लग रहा है, ये सब ऐसे वो भी तारीफ कर रही थी। पर जैसे ही कृष्ण गायब हो गए तो अब ये सब चुभने लग गया। मान लो आपने बड़ी जोर जोर के डीजे लगा रखा है, डांस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अब इतने में हमारा कोई प्रिय खो जाए, तो खो जाए तो हम सबसे पहले, भाई डीजे बंद कर पहले, तू कितने नाच रहा है ऐसी अवस्था हो जाएगी ना हमारी, तू क्यों डांस कर रहा है इतना, तेरे को क्या इतनी खुशी हो रही है क्योंकि अब हमारा मूड एकदम से बदल गया, अब गोपियों का मूड एकदम बदल गया तो गोपियां पृथ्वी को कह रही तू क्यों इतनी पुलकित हो रही है, जगह जगह तेरे पुष्प निकल रहे हैं, जगह अलग अलग रंगों के पुष्प निकल रहे हैं, इतनी कुछ भी निकल रही है, ये क्या है, क्या वो वामन जब आए थे और वामन ने तेरे पे चरण रखा था, वो तब से अभी तक तेरा हर्ष खत्म नहीं हुआ क्योंकि कृष्ण तो चले गए यहाँ से, किसको लेके तू पुलकित हो रही है, यह कृष्ण यहीं है अभी, यहीं से गए हैं तो भी हमें बता, पूछ रही है, ऐसी अवस्था हो गई थी ना उस समय उन्माद की, वो पुष्पों से पूछ रहे हैं, वृक्ष से पूछ रही है, क्या अभी अभी यहां से निकलेंगे जो इतनी हर्षित हो रही है, यहाँ वो वामन बना खत्म नहीं हुआ अभी तुम्हारा यहाँ का तो उस समय जो वो पुलकित थी वो बोलते वो
पृथ्वी जो है वो हर्ष जनित पुलकित थी, उनका वो सात्विक विकार था पृथ्वी का भी। आश्चर्य से भी जो वदन है वो पुलकित हो जाता है, जैसे माता यशोदा ने जब कृष्ण को जमाई लेते हुए देखा, जब उन्होंने कहा कि इन्होंने माटी पाली है, और उन्होंने कहा कि दिखाओ मुंह खोल के, और मुंह खोल के दिखाया तो मुंह खोलने पे पूरी पूरा ब्रह्मांड वहां पे नजर आया, और भीतर भीतर जैसे जूम करते ना हम लोग कैमरे का, ऐसे जूम जूम करती गई तो ब्रह्मांड के भीतर भारतवर्ष नजर आया, उसमें गोकुल नजर आया, गोकुल में अपनी कुटिया नजर आई, अपनी कुटिया में देखा कि अपने ही प्रांगण में मैं बैठी हूँ, मेरे सामने कन्हैया बैठा है वो भी नजर आ गया उसी के भीतर, मुँह के भीतर, और मुँह के भीतर ही कन्हैया ने फिर मुँह खोल रखा और फिर उसके अंदर ब्रह्मांड, और बाबा रे ये क्या देख रही है वो, तो देख के बोलते आश्चर्य से उस समय उनके रोमांच हो गया, पूरा शरीर जो है वो पुलकित हो गया, ये क्या क्या दृश्य देख रहे हैं, अंदर के अंदर के अंदर कहां घुसे जा रहे हैं। और भय जनित तो हम लोग जानते हैं कि जब भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा, तो विश्व रूप देख के अर्जुन जो है उसका शरीर जो है वो रोमांचित हो गया, अर्जुन ने तो बोला ही कि मेरा शरीर ऐसे पुलकित हो गया क्योंकि मैं तो आपको अपने साथ का जानता था, मैं तो आपको सखा देखता था, कितनी बार मैं आपके साथ सोया हूँ, आपके गोद में अपना सिर रखा, और कितनी बारी आपको उठाया बिठाया लिटाया, आपके साथ खड़ा हुआ चला, आप तो क्या भगवान हो, मैं कहाँ हूँ, तो ये देख के वो शरीर जो है उसका भय से रोमांचित हो गया कि मैं इनके साथ कितना कैजुअल रहा हूँ, ये तो साक्षात हरि है और मैं तो इनको ऐसे अपना सखा समझता रहा, तो भय से उस समय जो है वो उनका शरीर पुलकित हो गया। फिर वैवर्ण ने जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि इंद्र का हो गया था भय जनित, मुख जो है वो काला पड़ गया, और विषाद जनित भी होता है, जैसे उद्धव जी ने बताया उस समय भागवतम में कि जब मैं वहां पे गया और आपके विरह में मैंने प्रत्येक गोकुलवासी को देखा, तो बोलते प्रत्येक गोकुलवासी ऐसे एकदम सफेद पड़ गए, खून सूख गया बिल्कुल शंख के समान, सब के सब जितने गोकुलवासी थे वो सफेद पड़ गए, इतने सफेद पड़ गए कि नारद जी जब गोकुल आए तो उनको लगा वो श्वेत द्वीप में आ गए, सारे दूध से जैसे धुले हुए, इतने श्वेत, इतने सब फीके पड़ गए। ये उद्धव जी जब वहां गए थे तो आके उन्होंने कृष्ण को बताया कि आप यहां कैसे रह रहे हो, ये वो उद्धव जी हैं जो भगवान को बोलते थे कि हे कृष्ण आप रोते क्यों, आप तो हरि हो, आप भगवान हो, आप साक्षात भगवान हो के रो रहे हो किसी के लिए, ये बात मुझे समझ में नहीं आती, आप क्यों याद करते हो उन्हें, आपको याद करने के, आप तो हरि हो और आप तो सर्वव्यापक हो, सर्वव्याप्त हो, सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में हो, तो आपको किससे विच्छेद हो सकता। भगवान ने कही तो तत्वों की बात बोध करता है, प्रेम तेरे भीतर नहीं है, अभी जा एक बारी ब्रज हो क्या, तो जब ब्रज गए और आए तो उद्धव जी बोलते आप यहां बैठे कैसे हो, आप इतना समय यहां रुके कैसे हो आप, वहां क्यों नहीं चले जाते आप, तो तब बताया कि वहां सब सफेद पड़ गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है श्वेत द्वीप हो गया है, वो पृथ्वी जो हरी भरी पुलकित रहती थी जिसमें वो वाला फिल्टर लगा हुआ था कि सब चमकते हुए दिखते थे, आज ऐसा सब ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, वहां पे सब सफेद पड़ गए। तो वैवर्ण ने हो गया उन सबको जो विषाद जनित, इतना विषाद हो गया कि उस समय सबके रंग उड़ गए, और क्रोध जनित भी वैवर्ण ने होता है, जो क्रोध जनित हम यहां पे भी देख लेते हैं, हालांकि वो अष्ट सात्विक नहीं होता क्योंकि वो तो यहाँ का तामसी क्रोध होता है जो हम लोगों का होता है, लेकिन तब भी देखते हैं क्रोध में सब लाल हो जाते हैं, तो ऐसे ही वहां पे जब कंस के मारे जाने पे कंक इत्यादि सब ये सब और भी असुरों के भाई भाई ये सब फिर और मतलब खुलेआम कृष्ण को मारने आ गए, पहले तो ऐसे था ना मामा ही है, मामा जी ने लड़ाई रखी है उसमें कृष्ण को बुलाया है, अभी तक भी थोड़ा पर्दे के पीछे चल रहा था, अब तो खुल के ही सामने आ गए कि भैया तू दुश्मन है हमारा और तेरे को मारेंगे, तो जब सब के सब ऐसे कन्हैया को मारने आए तो बलराम जी का जो मुख है वो बोलते उस समय सफेद, बलराम जी का मुख सफेद है, वो गोरे हैं एकदम गोरे दाऊ इसलिए उन्हें बोलते हैं, तो बलराम जी का मुख उस समय एकदम लाल पड़ गया, बिल्कुल नरसिंह जैसे लाल थे ऐसे नरसिंह स्वरूप में लाल हो गए बलराम जी, तो वैवर्ण ने उस समय उनको हो गया। फिर क्या करा उन्होंने,
क्रोध में लाल हो गए, करना क्या था, कर तो कन्हैया नहीं दिया। लड़े तो दोनों भैया थे, कृष्ण भी और बलराम जी भी, मगर उनको कंस इत्यादि को तो फिर कृष्ण ने ही मार दिया था। तो ये जो विकार हैं ये अलग अलग, अभी मैंने एक एक उदाहरण बताया, ऐसे बतेरे इनके बहुत सारे और भी उदाहरण हैं, और स्वर भेद भी हो जाता है। स्वर भेद का अभी इसमें हालांकि चर्चा नहीं करी, छह की चर्चा करी है, तो दो जो हैं वो स्वर भेद और प्रलय। स्वर भेद क्या होता है, एकदम आवाज निकल ही नहीं रही है, चोक हो गई, मुंह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा, ऐसा स्वर, या फिर बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे ऐसी, मतलब आवाज बदल गई, इतनी भारी आवाज है, कुछ बोला ही नहीं जा रहा। जैसे जैसे हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि अंत्य लीला में आएगा, जब श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते थे तो स्वर भेद हो जाता था, तो जग 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 ऐसे निकलता था, बस पूरा जगन्नाथ निकलता ही नहीं था। हाँ, तो ऐसे जग 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 बस इतना ही बोल पाते थे, जग जग जग, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। तो इसको स्वर भेद बोलते हैं कि कुछ बोला नहीं जा रहा और अलग सी आवाज में भी कुछ निकल रहा है। और प्रलय होती है मूर्छा, ये प्रलय वो वाली प्रलय नहीं है कि युग खत्म हो गया, मूर्छा आ गई। तो मूर्छा जैसे जब कृष्ण जो है वो ये सब छोड़ के मथुरा की ओर जा रहे थे, तो जितनी गोपियां थीं उन सबको प्रलय, उस समय प्रलय हो गई, उस समय एकदम मूर्छित हो गई ये देख के कि कृष्ण जा रहे हैं। तो हालांकि वो बार बार बोल रहे थे कि मैं बस दो चार दिन के लिए जा रहा हूँ, दो चार दिन में आ जाऊँगा, मगर वो ब्रह्मा जी के दो चार दिन बोल रहे थे शायद, अपने दो चार दिन में नहीं आए। तो उस समय वो सारी जितनी गोपियाँ थी वो वहाँ पर मूर्छित हो गए। दोहार मुखेते सुनी गद गद कृष्ण वर्ण। अब जब ऐसी अवस्था हो गई दोनों की, अष्ट सात्विक विकार आ गए, तो दो चार मिनट में तो खत्म होने वाली बात थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को इन विकारों से जब संभल के दोनों एक दूसरे थोड़े से चेतन हुए, तो जैसे ही चेतन हुए तो दोहार मुखेते सुनी गद गद कृष्ण वर्णा। जहां आग होगी वहीं धुआं भी होगा, और धुआं है तो आग लगी होगी, तो धुएं के रूप में ये कृष्ण 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 उनके भीतर से निकला, जिसके कारण बोलते ये संकेत मिलता है कि इस समय जो गले मिल रही थी वो विशाखा सखी और किशोरी जी थी। तभी किशोरी जी के मुख से जोर जोर के कृष्ण कृष्ण और विशाखा भी कृष्ण कृष्ण कहती हुई निकली। जैसे रास के बाद विरह अवस्था में तीनों, जैसे ललिता विशाखा ये किशोरी जी को संभाल रही थी, तो उस समय तीनों कृष्ण कृष्ण बोल के ही बोले अपने आप को संभालती थी। नाम नामी अभिन्नत्वम, तो उस समय के आज भी तो जो कृष्ण बोल के जो आनंद मिलता है, जो प्रेम मिलता है, बोलते वो नाम जो है उस नाम ने इन्हें संभाल के रखा। जैसे बोलते ना गोपियों के प्राण क्यों नहीं निकल गए अगर इतना प्रेम था, बोलते क्योंकि कृष्ण आपका नाम और आपकी लीला हमारे साथ थी, हर समय लीला करते थे। उस समय भी आया रासलीला में भी, जब वो चले गए तो सब लीला करने लग गई, एक कृष्ण बन जाती और एक सखा बन जाते, बाकी सब सखा बन जाते और कृष्ण लीला प्रारंभ कर देती। तो ऐसे करके उन्होंने अपने प्राण रखे, कैसे रखे कि भैया एक कृष्ण बन गई और एक उनके दो तीन सखियां जो है वो सखा बन गई और आपस में लीला करने लगे। जैसे उन्होंने जब वो उसके सर्प के ऊपर, जब वो कालिया नाग के ऊपर चले गए, वो बैठ गए ऐसे बैठ के, उस समय लीला कर रही है कि वो कालिया नाग के ऊपर ऐसा खाएं, आपस में खेल रही हैं, ये लीला कर रही हैं। तो इन्होंने उनके प्राणों को संभाल के रखा। जैसे अगर कोई कुछ नहीं है तो उसकी वीडियो दिखा देंगे कि भैया, जैसे बच्चे को दिखा देते ना हम कि अच्छा चल थोड़ी देर वीडियो देख के चुप होगा, तो ऐसे नाट्य करके। और तो इस समय बोलते जब कृष्ण कृष्ण उनके भीतर से निकला, तो जाने की अच्छा ये जो विकार थी किशोरी जी के भीतर आ रहे थे, किशोरी जी और विशाखा बनी रामानंद राय के भीतर ये विकार आ रहे थे। देखिया ब्राह्मण गनेर हैला चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सब करेन विचार। अब इसमें फिर देखो रामानंद राय का बड़ा चरित्र सामने आता है। देखिया ब्राह्मण गनेर हैला चमत्कार, अब जो ब्राह्मण गण है वो चमत्कृत हो रहे हैं, इनका ये नहीं बोला विकार आ रहे हैं, आश्चर्यजनक विकार नहीं आए इनको, देखो ब्राह्मणों को ये चमत्कृत हो रहे हैं। क्यों चमत्कृत हो रहे हैं, बोल रहे हैं ये देख रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है इनके भीतर कि ये दोनों एक दूसरे के भीतर ऐसे स्तंभित हो रहे हैं।
अच्छा एक विकार नहीं आ रहे इनके भीतर, कंपित भी हो रहे हैं, अश्रु भी बह जा रहे हैं। अरे ये ब्राह्मण तो बड़ा तेज वाला लगता था, ये जो ब्राह्मण था इसके भीतर तो ब्रह्म जैसा तेज है, फिर ये ऐसे शूद्र को देख के इतना स्तंभित क्यों हो रहा है? रामानंद राय को शूद्र बोल रहे हैं। इसके दो कारण है, एक रामानंद राय उस समय बोलते जो राजा के यहां नौकरी करता था, तो राजा के यहां नौकरी करने वाले को शूद्र बोला जाता था, क्योंकि वो टैक्स वैक्स को अर्जित करके उसी को कमाई खाने वाले को शूद्र बोलते हैं। और दूसरा रामानंद राय ने खुद बोला दास मंद्र शूद्र, तो बोलते जब उन्होंने बोला मैं शूद्र हूं तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो शूद्र है। ऐसा होता है, तो इसीलिए बोलते जो रस की कथा है वो अरसिकों के सामने नहीं करनी चाहिए। आप रस की, भगवान के रस की कथा उनके सामने करोगे वो भगवान को ऐसे अरे ये तो ऐसे ही है। तो उन्होंने बोला शूद्र, तो बोलते उन्होंने भी माना अच्छा ये तो शूद्र है। मगर ये अच्छा चलो जैसे भी हो, लेकिन तब भी जो वो सन्यासी है वो केवल कोई साधारण ब्राह्मण थोड़े है, वो सन्यासी है, और सन्यासी का ब्रह्म के समान ऐसा तेज, तो वो सन्यासी इनको आलिंगन करके क्यों ऐसा चमत्कारित हो रहा है? ऐसा क्या हुआ? तो ये सब देख के ब्राह्मण जो है, वैदिक ब्राह्मण सब करें विचार। अब ये हमने पहले भी एक बार चर्चा करी थी कि जब ये शुरू में आए थे तो इन्होंने तर्पण किया वैदिक ब्राह्मणों को देख के, जबकि ये हम जो सब पढ़ रहे हैं, जो गौड़िया वैष्णव हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, ये सब उत्तर मीमांसा के हैं, पूर्व मीमांसा के नहीं है। पूर्व मीमांसा में कर्म कांड होता है जिसमें ये तर्पण आदि ये सब किया जाता है, उत्तर मीमांसा में ये सब नहीं, कोई अभिलाष नहीं होती, किसी अभिलाष से सेवा नहीं की जाती, समझ पा रहे हो? जैसे पूर्व मीमांसा में क्या मतलब कर्मकांड, जैसे कर्मकांड, कर्मकांड क्या होता है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं ये कर देता हूँ, मेरी इससे ये प्राप्ति होगी तो चलो ये कर लेते हैं। आप ये वाला नगीना सोना क्या नग पहन लो अंगूठी में, पन्ना पुखराज ये सब पहन लो तो आपका ये लाभ हो जाएगा। कौन सा पहनो, इतना रत्ती का पहनो, इतना रत्ती का यहाँ चांदी पहन लो आपको गुस्सा नहीं आएगी, ये कर लो आपको धन अर्जित हो जाएगा। तो ये हम करते हैं ना, आप यहाँ जाओ इतने जगह पे ये जगह पे खाना खिलाया हो, अच्छी बातें भी बोल देते हैं। चलो हम कहते कई बार तो अच्छी बात ही होती, जाओ कराओ, किसी एक को बोला उन्होंने भैया आप जाओ रोज जाके गौआ को खाना खिलाया करो आपका काम हो जाए। उसने मेरे से पूछा कि यार प्रभु जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि गौआ को, मैंने कहा चलो हाँ हो जाएगा, चलो खिलाओ गैया, तो गैया को खाना खिलाना तो अच्छी बात है, चलो खिला दो, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इतने दिन गैया को खाना तो खिलाएंगे। तो कर्मकांड में सब अच्छी बातें वही बोलते हैं जो भजन में हम भी बोलते हैं कई बातें, तो लेकिन उसके पीछे उनकी वांछा रहती है। तो वो वांछा से जो कर्म प्रेरित किए जाते हैं, वो वांछा से जो ये सेवा प्रेरित होती है, वो हमारे इसमें उसको भजन नहीं माना जाता, समझ गए? तो वो भजन नहीं है कि आपने मेरे को ये मिल जाए इसलिए मैं ये कर रही हूं। किसी ने बोला ठाकुर जी की सेवा किया करो, उससे बड़ा घर में धन आता है, चलो जी ले आओ, ठाकुर जी की सेवा करनी प्रारंभ कर दी कि हमारे को धन मिलेगा, इसलिए करने, समझ गए? इसको पूर्व मीमांसा बोलते हैं, ये कर्मकांड है। उत्तर मीमांसा क्या है, वो केवल भगवान से प्रीति पूर्वक उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो देवी देवताओं की, जो देवी देवताओं की और भगवान की भी, देखो जो करने लगता है, अभी अंगूठी पहनी भगवान की तो नहीं पहनी, पुखराज पहना भगवान का नहीं पहना, देवी देवताओं की भी पूजा करोगे, गौआ का तो मैं इसलिए उदाहरण कर रहा हूँ, चलो ये तो एक अच्छी बात, अब भी कह देते चलो कर दो, मगर इस देवी देवता का ये पूजन कर लो, यहाँ कर दो वो कर दो, तो ये सब सब पूर्व में मंत्र है। कर्म कांड भी उसी साइड में आता है, हम लोग कर्म कांड में भी नहीं, हमारी भक्ति जो है वो सकाम भक्ति भी नहीं है, एकदम निष्काम होनी चाहिए। भक्ति का अर्थ ही असल में निष्काम है, कामना से की जाए तो फिर सातवें स्कंद में उन्होंने बोला है ना प्रहलाद महाराज ने, मैं वणिक नहीं हूँ। तुरंत उन्होंने ये बात, जब भगवान ने बोला ये मांगो ये मांगो ये मांगो, उन्होंने कहा मैं वणिक नहीं हूँ, मांगने के लिए भजन नहीं कर रहा हूँ मैं आपका, मैंने इस आशा से आपका भजन प्रारंभ नहीं किया था कि मुझे ये सब मिल जाए, ये बनियों का काम है, वणिक मतलब
बनिया जाति मेरे को गलत न समझे, मतलब बनिया मतलब वणिक, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन है, जाति बनिया नहीं, जो कार्य बनियों का होता है उसको बोला गया। भगवान जो है वो कई बारी हम भगवान की जो कृपा है वो ऐसा समझते हैं कि भगवान ये सब दे रहे हैं, बड़ी कृपा हो रही है। हमारे भीतर मद है, उस मद के कारण हम भगवान की कृपा को भी जान नहीं पाते। किसी व्यक्ति का व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा है, उसको बोले भैया आपका काम भगवान की बड़ी कृपा है, अब सही चल रहा है। मन में आता है भैया अगर इसी को कृपा मान रखा है तो पता नहीं कितनी कब तेरी कृपा खत्म हो जाए। जबकि कृपा जो है वो भगवान की, वो तो सर्वत्र है। पर जो व्यक्ति ये कहता है हाँ हाँ बड़ी भगवान की कृपा हो गई जी, अच्छा हो गया सब, बस पहले एक घर नहीं था आज 3 घर हो गए हैं हमारी बड़ी भगवान की कृपा, अभी हमारा ये नहीं था वो मिल गया, यहाँ मेरे पास 1 बच्चा नहीं था 4 बच्चे आज खेल रहे हैं आंगन में, भगवान की बड़ी कृपा है। इस प्रकार से लोग बोलते हैं ना भाई, ये सब जो मिल रहा है, जो प्राप्त हो रहा है उसको लोग कृपा मानते हैं। और ये क्या है, ये मद है, ये हमारे भीतर जो अब मैं बिजनेसमैन हूँ, अब जब मैं बिजनेसमैन हूँ तो जब मेरा बिजनेस में लाभ होगा तो भगवान की कृपा है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी कथा बोल रहे हैं, अब हमें कथा में ठीक से हम कथा कर लें, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी अच्छी हो गई। ये सब मद है, ये प्रेम नहीं है, ये सेवा नहीं है, ये मद है। अगर इस प्रकार भक्तों के भीतर भी मद है, साधु के भीतर भी मद है, ए साधु को ऐसे बोलता है, हैं? संतों के हमें ऐसे बोलता है, ये कुछ नहीं, मद है, ये भक्ति नहीं है। कड़वी बात है मगर सच है। ये जो इस प्रकार वो उसमें राम राज्य में आता है, एक संत जा रहे थे पंगत खा के, बाहर कुत्ता बैठा था, ए साधु का रास्ता रोकता, टक लाठी मार दी कुत्ते को, कुत्ता राम जी के पास पहुंच गया, ये क्या साधु हैं आपके, बेकारी में बैठा हुआ था, मेरे को मार दिया तुमने लाठी। उस समय बोल पाते थे पशु, राम राज्य था, इसी को तो तभी तो बोलते राम राज्य आएगा क्या, राम राज्य का मतलब सबकी सुनी जाएगी, तो कुत्ते की भी सुनी गई। उनको बुलाया साधु को, क्यों मारा, वो रास्ते में बैठा था, वो रास्ता इतना संकुचित था कि हमारा मद में मारी आपने, अहंकार टाइप समझ लो, गुरूर, मद, मैं बड़ी सुंदर हूं, मद है, मैं बड़ी पतली हूं, मद है, मैं गोरी हूं, मद है। तो इस मद में हम जो रहते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के, मैं अमीर हूं, भगवान की बड़ी कृपा है, आज तक कभी किसी का मुंह नहीं देखना पड़ा पैसे के लिए, मद है। जो तो खैर वो जो थे जिन्होंने मारी थी उनको, उन्होंने बोला क्या करें इनका, तो उनको हालांकि कई लोग बोलते उन्हें मठाधीश बना दिया गया था, कई जगह ऐसा भी मत है, तो उसी कुत्ते के कहने पे, मगर रामायण में जहाँ ये बात आती है उसमें लिखा है कि उन्होंने उनको हाथी पे बिठा के बाइज्जत उन संत को अयोध्या के बाहर कर दिया था। अब आप अयोध्यापुरी में नहीं रहोगे, बाहर हो जाओगे मद के कारण, लेकिन क्योंकि साधु थे तो इज्जत से हाथी में बिठा के भेजा, हाथी में इज्जत से बिठाया जाता था, तो हाथी में बिठाया, इज्जत दी, लेकिन अयोध्या के बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कुत्ते को मद में लाठी मार दी थी। और हम मद में जगह जगह अपने वचन से रोज पता नहीं कितनों को लाठी मार देते हैं, मद में। व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा पैसा अगर वो कमा ले उसके अंदर मद आ जाता है। ये रिक्शे वालों को तमीज नहीं है चलाने की, पता नहीं कैसे चलाते हैं, ये क्या है, मद है। बुलाते भी कैसे, ए रिक्शे इधर, रिक्शे वाले, रिक्शा नहीं है वो, आदमी है। ये मद है, ये मद है हमारे भीतर। हमारे वहां कहते जल्ली इधर, जल्ली नहीं है वो, जल्ली वाला है, आदमी है। मद है, ये कौन बोल रहा है, ये आपका मद बोल रहा है, ए बदतमीज भिखारी, मद है। ऐसा व्यक्ति कभी भजन नहीं कर सकता, ये भजन नहीं है अभी, ये सब मद है। तो जो भगवान के वो सखा थे द्वारका गए, क्या नाम उनका, दरिद्र जो थे, सुदामा, सुदामा को दरिद्र बोला, हालांकि दरिद्र नहीं थे, गरीब थे, दरिद्र गलत शब्द है, उनको बोला जाता है वो दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। तो सुदामा की जो पत्नी थी वो बोलते एकदम सूख के कांटा हो गई थी, क्योंकि खाने को कुछ नहीं था,
और सुदामा सदा मानते थे भगवान की बड़ी कृपा है। उनकी पत्नी ने कहा अगर इतनी कृपा है, तुम्हारे मित्र जो हैं वो इतने बड़े राजा हैं द्वारका के हैं, इतनी उनकी तो 1008 रानियां हैं, तुमसे एक नहीं ठीक से संभाली जा रही, खाना नहीं है, तो जाओ ना उनके पास, कुछ मांग के ले आओ उनसे। उसने कहा नहीं सुदामा ने, मैं मांगने कभी नहीं जाऊंगा अपने कन्हैया से, अरे वो तो बहुत प्यारा है, मेरा सखा है, उसकी तो इतनी कृपा है ही। बोलते क्या कृपा, मांगो, तो मांगने नहीं जाऊंगा। तो जो पत्नी थी उसने सोचा अच्छा चलो ये मांगने तो जाएंगे नहीं, इन्हें प्रेरित करती हूँ, तुम्हारे सखा है मिल तो आओ, अरे मिलने जाएंगे तो वो अपने आप इनकी हालत देख के दे देंगे। उन्होंने कहा अच्छा अपने सखा से मिल तो आओ। हाँ तुम बोलती हो तो मन तो बड़ा करता है जाने का, पर क्या लेके जाऊं, मित्र के यहाँ खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा। उसने कहा धत तेरे की, ये तो मैं कह रही मांगने आई है, कहते मैं क्या लेके जाऊं। ये प्रेमी होते हैं, ये भक्त होते हैं, मैं क्या लेके जाऊं, वो देना चाहते हैं लेना नहीं चाहते। तो आप ब्रजवासी कभी जाओ, ब्रजवासी नजर उतारते हैं कन्हैया की, वो कहते तो ही नजर ना लगे, हमारी कोई बात नहीं, हमारी खैर है। तो बोले लेके जाऊं, उसने कहा चलो क्या करूं, पड़ोसी से इधर उधर से चार मुट्ठी चिड़वा चावल मांग के दे दिया, पोटली में बांध के ये ले जाओ, हाँ ये लेके जाऊंगा। अब जब कन्हैया के वहां पहुंच गए, वहां रहे, वो चिड़वा भी छीन छीन के खा लिया कन्हैया ने, कृष्ण ने ये भी दे दो, और जब निकलने लगे तो बड़े हर्षित थे, क्या नाम, मैं बार बार नाम बोला, सुदामा जी, बड़े हर्षित थे। अब इतने हर्ष में निकलने लगे, निकलने बड़ी बड़ी कृपा कन्हैया, कितने प्यार से मेरे को रखा, आज भी मुझे अपना सखा मानता है, मुझे भूला नहीं, हालांकि मैं इतना गरीब, ये इसके इतने बड़े बड़े महल, कितना बड़ा आदमी हो गया, लेकिन आज भी देखो मेरे को इसने अपना मित्र जाना, मुझे भार लेने आया, सब कुछ किया, कितना प्रेम किया मेरे से, ऐसे भाव में निकल रहे। जबकि कृष्ण बोलते ऐसे निष्ठुर, एक शॉल नहीं उड़ाई उनको जाने वगैरह की, भैया एक शॉल दे दो, फटे हुए कपड़े, एक चद्दर उड़ा दूं, एक जूती बना दूं, भैया तेरे पैर में जूती तक नहीं है, कम से कम चप्पल तो पहन जा, और कुछ नहीं, अपना एक रथ घोड़ा कुछ भेज दूं कि जा तुझे छोड़ आएगा, कुछ नहीं, एक चीज नहीं दी, एक पैसा नहीं दिया ना, अच्छा पैसा तो दूर की बात है, चलो कुछ जाते जाते ऐसे कपड़ा लत्ता ही दे दे, भाई घर में पड़ा हो, हम भी कुछ जा रहा हो, कुछ जो कुछ चल यार ये ले जाए, अच्छा दो चॉकलेट फ्रिज में पड़े थे, चल यही उठा के दे दी, कुछ नहीं, कोई शॉल नहीं, चद्दर नहीं, चप्पल नहीं, ये नहीं। और सुदामा जब जा रहे हैं तो क्या गाते हुए जा रहे हैं, कन्हैया बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, याद आ रहा है उन्हें कि मेरी बीवी जाते ही बोलेगी क्या लेके आए हो, वो निष्ठुर है ना, वो तो यही देखेगी कि क्या लेके आए हो। पर कन्हैया ने बड़ा सही किया, मुझे कुछ नहीं दिया, वो जानता है कि मेरी प्रवृत्ति खराब है, मैं पैसा देखूंगा ना मैं खराब हो जाऊंगा, वो जानता है, इसलिए उसने नहीं दिया, बहुत बढ़िया किया, बड़ी कृपा है। ये कृपा का असली स्वरूप है। जब ये भगवान बामन आए थे और बामन ने बलि को बंदी बना लिया था, बलि ने क्या गलती करी, बलि ने कहा महाराज जितने थे उतने हो जाओ तो तीन कदम दे दूंगा, मांगने समय तो तुम कुछ और थे और बाद में कुछ और हो गए, लेने समय कुछ और हो गए, बोलने समय कोई और था, लेने समय कोई और आया है, तीन पैर में नाप दी, बोलते एक पैर तो इतना बड़ा हो गया कि नीचे के सारे लोगों तक तो वो पैर ही पहुंच गया, एक पैर, अगला पैर ऊपर के सारे लोगों में रख दिया, अब क्या करे, तीसरा पैर कहां रखे। अब उन्होंने बलि को बंदी बना लिया, बलि कहते महाराज आप ऐसे आए थे मांगने, मुझे बंदी बना लिया कि मैं अपना पूरा नहीं कर पा रहा, आप भी तो पूरे उतने हो जाओ जितने मांगे थे, और सब कुछ आपने कर लिया, अभी दास को तो छोड़ दिया, नीचे के नाप लिए ऊपर के नाप लिए, मैं कहां गया, मैं तो अलग हूं इससे, तीसरा पैर मेरे पे रख लो, रख दिया। अब रख के भी भगवान तो पूरे कौतुकी है ना, एकदम अंत तक कौतुक करते हैं, अब बांध लिया, अब और बांध दिया वासुकी सांप से, बोले अब तो तू मेरा दास हो गया, तूने तो एक पैर अपने पे रखवा दिया, अब तू वैसे दास है, पहले क्यों बांधा कि तू अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाया, बाद में क्यों बांधा, अब तो तू मेरा ही दास है, अब कब आके जाएगा, तूने तो कहा तीसरा पैर मेरे पे रखो, चल बांध जा। जब उन्होंने इस प्रकार बांधा तो जो
ब्रह्मा थे, ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी आए, यहां अपना बड़ा ज्ञानी ब्रह्मा जी है ना, भगवान यार ये शोभा नहीं देता आपको, ये आप सही नहीं कर रहे, ये ठीक बात नहीं। उस बिचारे ने अपना सब कुछ आपको दे दिया। ब्रह्मा जी भगवान को समझा रहे हैं कि देखो आपने उसको जो सजा दे रहे हो ना, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो भैया उसने आप अपना सब कुछ जो है आपको दे दिया, अपना सर्वस्व आपको लुटा दिया, अपना पूरा प्रॉमिस कर दिया, अब आपको उसको छोड़ देना चाहिए। अब इतना बोलने के बाद बोलते बामन देव कुछ नहीं बोले, वो देख रहे हैं ब्रह्मा जी को। ओके आज ब्रह्मा जी मुझे सिखा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते जब उन्होंने देखा कि ये मुझे देख रहे कुछ नहीं बोले, तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आप तो पानी से प्रसन्न हो जाते हो, आप तो तुलसी से प्रसन्न हो जाते हो, एक छीटा भर कोई आपके चरण में डाल दे आप प्रसन्न हो जाते हो, दास ने आपको सब कुछ दे दिया तो भी आप प्रसन्न नहीं हुए, मैं तो पूछने आया था जिज्ञासा से कि उसने अपना सब आपको दे दिया तब भी आप प्रसन्न नहीं हुए, इसके पीछे क्या कारण है। भगवान ने बोला देखो ब्रह्मा तुम अभी तक समझे नहीं, असल में मेरी कृपा का स्वरूप तुम भी जान नहीं पाए, मैं इस पर कृपा करने आया हूं। क्यों कृपा करने आया हूं? बोले ये अपनी कमिटमेंट में खरा उतरा, ये सत्यवादी है, इसने अपना गुरु तक त्याग दिया, पर इसने जो बात बोली थी कि मैं आपको दूंगा वो नहीं त्यागी। ब्रह्मा जी की 8 आईब्रोस खड़ी हैं कंफ्यूजन में कि ये कृपा हो रही है बोले इसके भीतर लेकिन मद था, सत्यवादी तो बहुत है, कमिटमेंट भी पूरी करी पर मद था इसके भीतर, मेरे पास ये है ये है, मैं अब इंद्र का को भी हटा के स्वर्ग का भी राजा, ये जो मद है ना ये मुझे प्रिय नहीं है। हैं कौन? पोते हैं प्रहलाद जी के, प्रहलाद जी भी वहां पे आ गए, और प्रहलाद जी ने देखो जो भक्त होते हैं वो कैसे, प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करी, और प्रहलाद जी ने स्तुति करके यही बोला भगवान आपने बिल्कुल ठीक किया, ऐसा ही करना चाहिए था। ये मद में पता नहीं कितना खराब हो जाता है, तो अपना ही बच्चा ना प्रहलाद जी का भी, बोले मद में पता नहीं कितना खराब हो जाता ये और कितनी गलत चीजें करता, पर आपने आके आज इसको ऐसा कर दिया कि एक दिन ये भी आपको पा सके। प्रहलाद जी समझ गए, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए ये कि मेरे पास ये है सब है मैं इतना अमीर हूं। मद पते कैसे पता लगा? जब वो आए मांगने बामन देव, मांगो, उन्होंने कहा 3 पग भूमि, बस इतने बड़े राजा के पास आके 3, अरे हमारे स्टैंडर्ड से मांगो, मांगो क्या मांग रहे हो? उसने कहा महाराज बड़ा अच्छा बोला। फिर उन्होंने कहा जो ब्राह्मण होता है जो संत होता है जो योगी है इनको संतोष से रहना चाहिए, 3 पग भूमि मिल जाए बस इतना संतोष रखना चाहिए। ये सब वैष्णवों के लिए भक्तों के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, संतोष रखो जो है यथा लाभ यथा संतोष होना चाहिए, जितना है उतने में संतोष रखो। तो उन्होंने कहा बस इतना मिल जाए इतने में संतोष बच्चे हो तुम अभी दिख ही रहा है बच्चे हो, ये मद था बस 3 पग भूमि हमारे यहां से। शुक्राचार्य बोले रुक जाओ तुम जानते नहीं है कौन है, रुक जाओ, उन्होंने कहा तुम चुप रहो 3 पग भूमि मांग रहे। तो हले की फिर शुक्राचार्य ने जब ये बोला कि ये साक्षात नारायण है ठग लेंगे तुम्हें इनके चक्कर में मत फंसो, उन्होंने शुक्राचार्य को कहा अगर नारायण है तो फिर तो पक्का दूंगा, पता तो रहेगा लोगों को भी कि नारायण साक्षात भिक्षुक बन के यहां आए थे मेरे से मांगने, ये मद है। समझ गए? अपनी कमिटमेंट में पूरे उतरे ठीक है मगर मद साथ में था। तो भगवान ने कहा ठीक है सत्यवादी है इसीलिए यहां आके इस पर कृपा भी कर रहा हूं, ब्रह्मा तुम समझे नहीं मैं कृपा कर रहा हूं, ये स्वरूप है भगवान की कृपा का। भगवान शिव ने भी 4 स्कंद 3 अध्याय का 17 श्लोक है, मार्क कर लो लगा लो अपने एकदम वॉलपेपर पे उसमें उन्होंने क्या बोला, विद्या तपो वित्त वपुर वया कुले, ये सब जिसके पास होता है उसका भक्ति करना बड़ा कठिन है। क्या विद्या? जिसके पास ज्यादा विद्या आ जाए, ज्यादा शास्त्र पढ़ लिए, ज्यादा बखान करना हो गया, जब विद्या के साथ भजन नहीं बढ़ता ना, अध्ययन के साथ भजन नहीं पढ़ता तो वो अहंकार में परिवर्तित हो जाता है।
हिरण्यकशिपु के पास बहुत विद्या थी, एक संत थे उनकी कथा भी आती, एग्जेम्पलरी की बात नहीं है लेकिन एक संत थे बोलते उनकी कथा में आता है भक्तमाल में, उनके यहां जब कहते कोई ज्यादा उनका शिष्य पढ़ने लिखने लगता था ना, वो कहते ये हिरण्यकशिपु की विद्या बंद कर, चल भजन कर, करना तो भजन ही है ना, चल ये भगवान का नाम ले, ये ठाकुर जी की सेवा कर, लग जाए इसमें, ज्यादा ना करिए सब। सबका अलग अलग मूड और स्टाइल होता है, तो वो बोलते ही ऐसे ये सब मत कर। तो विद्या किसी के पास आ जाए, तप किसी के पास हो जाए, बड़ा उसने तप कर लिया, बड़ी ऑस्टेरिटी कर ली, भैया गर्मी सर्दी का उसे लाभ नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं करता, ऐसा हो जाए, इसका भी उसके भीतर मद हो जाता है। वित्त, पैसा किसी के पास ज्यादा हो, सौंदर्य उसके पास हो, वपु वया और युवा अवस्था में हो, और उसका कुल भी उच्च हो, ब्राह्मण, आजकल ब्राह्मण को उच्च कुल नहीं, आजकल तो कहते थोड़ी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली भी हो मान लो आज के हिसाब से, तो बोलते अगर ये सब किसी के पास हो तो उसका भजन करना बड़ा कठिन है। इनमें से एक चीज भी किसी के पास हो जाए उसका भी भजन करना बहुत कठिन हो जाता है। शास्त्रों का ज्ञान बड़ा आ गया बखाने के लिए, अब बखान तो किया जाता है मगर उसका पालन नहीं किया जाता। पैसा ज्यादा आ गया, एक ही किराफ, एक ही चीज ज्यादा आ गई, सौंदर्य बहुत ज्यादा हो गया, वो सौंदर्य का इतना अभिमान हो जाता है, यूथफुलनेस है बहुत ज्यादा अभिमान हो गया, एक चीज किसी के पास आ, और छह की छह किसी के पास आ जाए, ये सब आ जाए, और फिर भी यदि वो भजन करता है तो बोले मान लेना चाहिए भगवान की भरपूर कृपा है इस पे। और यदि कोई एक चीज भी है और तब भी भजन कर रहा है तब भी मानना चाहिए कृपा है भगवान की। अगर वो अपनी किसी भी इससे उसको इसके भीतर अहंकार नहीं है तो ऐसा मानना चाहिए कि उस पे भगवान की विशेष कृपा है, तभी वो भजन कर पा रहा है। तो भगवान क्या करते हैं फिर, जब किसी के पास ज्यादा पैसा आ गया और यही उसकी भजन में बाधा पड़ रही है तो भगवान क्या करते हैं, क्या करें अगर आप भगवान होगे, क्या करोगे? आपके बच्चे के पास बहुत पैसा आ गया, अब वो आपको मानना बंद कर दिया उसने, पहले माँ बाप बहुत अच्छे थे, सबका सत्कार करता था, सब करता था, अब उस बच्चे के पास इतना पैसा आ गया कि उसने माँ बाप को मानना बंद कर दिया, तो क्या करेंगे माँ बाप? पैसा उन्हीं का दिया हुआ है, मजे की बात ये भी है पैसा भी माँ बाप का ही है, बच्चे को दिया हुआ बहुत सारा, आपने बच्चे को कहा अच्छा भैया कहा इंजीनियरिंग कर रही है, वेरी गुड जा बेटा इंजीनियरिंग कर, मर्सिडीज ले जा, अब तो तू इंजीनियर बन गई है, अब जा तेरी पॉकेट मनी भी जो है हमने 50,000 कर दी बेटा रहा, अब 50,000 से वो बिगड़ना शुरू हो जाए, मर्सिडीज दिन से रात घुमाने लग जाए, इंजीनियरिंग पढ़े ना, आप क्या करोगे? वापिस ले लोगे। भगवान भी यही करते हैं, मैं पहले आप ही को इसीलिए पूछ रहा था कि अब ये ना कहो कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। जो चीज बाधा पड़ रही है आपके भजन में, आपके वेलफेयर में, उसको भगवान क्या करते हैं? ले लेते हैं। हम क्या कहते हैं? भगवान क्या किया आपने मेरे साथ? बच्चा भी यही बोलेगा, क्या है यार, दी क्यों थी फिर जब लेनी थी तो? दी इसलिए नहीं थी कि आप बिगड़ जाओ, लेके कि आप जिस पथ पे चल रहे हो वो पथ ही भूल जाओ, आपका जो मनुष्य योनि पाने का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य ही भूल जाओ, इसलिए नहीं दी थी। तो इसीलिए जब किसी को ऐसा ज्यादा पैसा मिल जाए, यौवन मिल जाए, बहुत सुंदर है, हम देखते हैं बतेरे बतेरे सुंदर हीरो हीरोइन जो है आखिरी में जाके थोड़े समय के बाद कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारा सौंदर्य खत्म हो गया। तो खैर सब हीरो हीरोइन को कैंसर भी नहीं हो रहा, आप कहोगे हैं कहीं हीरो के हीरो के हीरोइन अभी भी, लेकिन भगवान जिस पे कृपा करते हैं, जो भक्त है, जिसमें भक्त है, जो मद के कारण भक्ति के पथ से हट रहा है, उस पे भगवान कृपा करके फिर उसका वो ले लेते हैं, वो हर लेते हैं भगवान। इसीलिए भगवान का एक नाम हरि भी है, जो हर ले, जो आपके सारे अवगुण जो हैं वो हर ले। अब आप कहोगे मेरा पैसा मेरा अवगुण तो नहीं था, था। अब ये बलि का क्या था? सब ले लिया, सब ले लिया बलि का। और बलि कौन था? बोलते उस समय बलि ने स्वर्ग से इंद्र को भी हटा दिया था, स्वर्ग का राजा बन गया था बलि, ये छोटे मोटे एंटीलिया नहीं बनाए थे उसने, स्वर्ग पूरा दिया लिया था, पूरा स्वर्ग मेरा है, स्वर्ग का राजा बन गया था बलि। तो भगवान ने सर्वस्व लेके जब बलि तब भी शरणागत रहा, उसके बाद भी, ये भगवान की विशेष कृपा है, ये सब लेने के बाद भी बलि ऐसे था जो आप कर रहे हो ठीक है,
फिर भगवान ने उसे कहा कि अब आप मेरे सुतल लोक में जाओ। सुतल लोक का वैभव कैसे है? बोले स्वर्ग से 100 गुना ज्यादा आप वहां पे रहोगे, और आपकी रक्षा के लिए कि आप पे अब कोई देवी देवता आके कोई इधर उधर आके कोई आक्रमण ना कर जाए, उसका गेट कीपर मैं बन के रहूंगा स्वयं। अर्जुन के सारथी बन गए थे और बलि के गेट कीपर बन गए थे। फिर लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने कहा ये क्या करा भाई बलि, हमारे यहां से नारायण तो चले गए, वो तो तेरे यहां गेट कीपर बन के रह गए हैं, तो अब कैसे करें? तो उन्होंने बलि को फिर राखी बांधी। इसलिए अभी जब राखी बांधते हैं तो बलि का मंत्र ही बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो। लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी, भाई बनाया। उसने बोला बहन क्या दू? उन्होंने कहा जी जीजा दे दो वापिस, आपके यहां गेट कीपर बने हुए हैं। तो बलि को बोला आप दे रहे हो कोई बात नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब आप याद करोगे मैं फिर आ जाऊंगा। तो बलि को यह भी बोला जब आप याद करोगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ये भगवान ने उनको वरदान दिया। तो खैर मैं बता ही रहा था कि भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे, ब्रह्मा जी कृपा कर रहा हूं मैं इस पे, आप समझ नहीं रहे हो, इसके भीतर जो इतनी टॉलरेंस है, जो इसके भीतर इतनी जो बर्दाश्त करने की क्षमता है कि मैंने इतना कुछ किया उसके बाद भी इसने उफ नहीं करी, इसने भगवान की कृपा ही जानी, इसके कारण मैं इस पे कृपा कर रहा हूं। तो सर्वस्व लिया भी, सर्वस्व लेने के बाद जो लिया उससे 100 गुना ज्यादा दे दिया। क्यों? क्योंकि अब वो समझ गया कि भगवान ये कृपा कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो वो ठीक है, आप जो लेना चाहते हो ले लो, आप भगवान हो। जब ऐसी अवस्था भक्त की हो जाए तो फिर भगवान कोई लेने, भगवान का आपकी चीज लेने में क्या, भगवान का ही तो सब कुछ है, लेके क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी उनके पास कमी है, आपके पास 2 गाड़ी ज्यादा आ गई, भगवान के पास नहीं है, उन्हीं का तो दिया हुआ है। आप जैसे अपने बच्चे को मर्सिडीज लेके दे रहे हो, आप ले लोगे, वो कहे अब नहीं, बस अब मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी, बस ये मर्सिडीज तो आने जाने के लिए, हाँ ठीक है फिर ले ले, हमने ही तो दिया है ले ले, कोई टेंशन नहीं है। तो भगवान जब सर्वस्व लेते हैं, ऐसे थोड़ी भगवान को कोई आपसे ईर्ष्या हो गई, कोई ये हो गया, भगवान मेरे से गुस्सा हो गया, ये कुछ नहीं है, आपके वेलफेयर के लिए ही ले रहे थे और आपके वेलफेयर के लिए वापिस दे देंगे। अब तो मेरा पढ़ाई में मन लगता है मम्मी, अब तो मेरे को गाड़ी, अब गाड़ी ड्राइवर के साथ दे देंगे, ले और मौज कर, समझ गए? तो इसीलिए भगवान जो सर्वस्व लेते हैं वो भगवान की, अब समझ गए, कृपा है। हम भगवान की कृपा क्या जानते हैं? जो सब मिल गया तो कृपा, हमारा काम बन गया तो कृपा। तो हम बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं, और ये उल्टा जो चल रहे हैं ये मद के कारण है केवल। ये खत्म हो जाए, भक्ति आ जाए, प्रेम हो जाए, भगवान जो कर रहे हैं वो सही, जो वो कर रहे हैं वो कृपा ही है, ये मुझे नहीं दिया ठीक ही किया, नहीं दिया दे देते तो फिर उसके बाद मैंने उड़ जाना था, उठ नहीं जाना था, अब उठोगे भक्ति में। तो जब हम सीधे रहेंगे तो सब मिलता रहेगा, और जब जो हमें मिला है उससे हम टेढ़े हो जाएंगे तो फिर वो ले लेंगे। बड़े सिंपल, भगवान आपको उठाना ही चाहते हैं, हर हाल में आपका कल्याण ही करना चाहते हैं। तो ऐसा जान के जो यहां पे रामानंद राय भी हैं, किसी मद में नहीं, हम यहां पे तर्पण आदि करेंगे, भैया प्रेम है हमारा भगवान से, ये सब नहीं करते ना। वैदिक ब्राह्मण आए, आप तर्पण करा रहे हो, कर लो, वो आए हैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए कर लिया, समझ गए? ऐसा व्यक्ति होता है। वैदिक ब्राह्मण सब साथ में आए थे उनके, रामानंद राय के राजा थे ना ये, उनके जो वहां पे राजा प्रताप रुद्र थे, राजा प्रताप रुद्र के यहाँ पे विद्यानगर में प्रतिनिधि हैं ये रामानंद राय। तो जैसे आजकल हम चीफ मिनिस्टर जिसको कहते हैं, तो वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो जब वो उनकी बग्गी आएगी तो साथ में वैदिक ब्राह्मण इत्यादि ये सब साथ में आते थे, तो वो साथ में आए तो कोई झगड़ा नहीं है, हम ये नहीं मानते, हम ऐसे नहीं करते, हम वैसे नहीं करते। जैसे हम लोग आज ही एक वो उसमें आज ये पता नहीं कल डाली थी वो टॉक में हम सुन रहे थे, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। अब ये नहीं कि हमने सुन लिया ये अंगूठी नहीं पहननी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो हमारे यहाँ घर में कोई किसी को देखा अंगूठी पहन के बैठे पागल है तू, कुछ नहीं होना तेरा इससे, ये सब नहीं करना। आपको चार चीज समझ में आ गई, उसकी एग्जीबिशन नहीं लगानी आपने, पहनी ठीक है, हम अपना जो हमारा मत है वो हमारा मत है,
कोई किसी का जो मत है उसकी उसी में श्रद्धा बिगाड़नी नहीं चाहिए। जब उसकी श्रद्धा उच्चतम और हो जाए, उच्च हो जाए, कहीं बढ़ जाए, बहुत अच्छी बात है। पर अभी जहां जिस स्तर पे आ वहां उसके नीचे से वो भी खींच लो तो वो आपके पास थोड़ी आएगा, वो तो जो है उससे भी जाएगा। तो जहां जिसकी श्रद्धा हो वहां बिगाड़नी नहीं चाहिए, गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आज इसीलिए पहले झगड़ा, अब उनको तुलसीदास जी को किसी ने कहा, तुलसीदास जी आप तो राम जी के भक्त हो, कृष्ण क्यों होना चाहिए था, राम जी के पास तो केवल 12 गुण है, कृष्ण के पास तो 16 गुण है। तुलसीदास जी ने कहा, दंडवत करी, पैर छुए, भाई वाह भाई वाह, आनंद हो गया, तूने बता दिया आज मेरे राम जी के 12 गुण है, मैंने तो एक गुण पे मानस लिख दी, तू कह रहा है 12 गुण है, आनंद कर दिया तूने तो मेरा। तो ये झगड़ा नहीं हो कि भाई तेरे ये तू तो देवी देवता को मानने वाला है, तू तो ये करता है, तो अरे जो जो करता है सही है, आप अपना करो। ऐसी एक भक्त मेरे से पूछे थे, यार सब माला क्यों नहीं करते, जब इतना नाम का बताया जाता है ये जाता है, क्यों नहीं करता? मैं कहा तू कितनी करता भाई, तो अपनी देख ना तुम कितनी करते हो, खुद 16 माला करते हो पूरे दिन में, और चिंता दुनिया की हो रही है कि ये माला क्यों नहीं करते। तो दूसरे के उस पर ज्यादा चिंतन नहीं करेंगे, ये नहीं करता वो नहीं, ये सब अपने लिए है, हम समझे हमें क्या करना है। अब दो शब्द पता लगे, हे पूर्व मीमांसा वाले लोग हैं तो। हाँ उत्तर मीमांसा वाले निष्कामी है, तो ये सब नहीं करते, वणिक नहीं है। ये सब कुछ नहीं, जो जो कर रहा है सही है, अपने लिए, हम अपने सीखने के लिए लिए, किसी की श्रद्धा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, जिसकी जहाँ है ठीक है। श्रद्धा में भी बल होता है, अगर उसकी श्रद्धा सच्ची होगी कहीं ना कहीं वो भी पहुंच जाएगा। तो इसीलिए जो जो कर रहा है सही है, आप अपना देखो कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए जब वो वैदिक ब्राह्मण आए साथ में, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन वैदिक ब्राह्मण के साथ उन्होंने तर्पण भी कर लिया, तो ठीक है हमें क्या फर्क पड़ता है अगर वो साथ में आए, तर्पण इत्यादि ये सब, मैं थोड़े मांग रहा हूं कुछ, मैं किसी मंशा से थोड़ी कर रहा हूं, कोई वांछा से थोड़ी मैं ये सब कर रहा हूं, ठीक है वो कह रहे हैं ऐसा कर लो, ऐसा कर लेना चाहिए। और जब ऐसा कर लिया तो बोलते अब वो विचार कर रहे हैं कि क्या है ऐसा इसमें, अगर नहीं करा होता ज्यादा दिखाई होती तो वो भी निंदा कर रहे होते, ये देखना वैसे तो बड़ा तेजहीन दिखता था, तेज वाला दिखता था, वैसे तो इसके भीतर इतना ब्रह्म के समान तेज था, और अब देखो एक शूद्र के साथ गले मिलके पागल हो रहा है, फिर वो भी निंदा करते। पर क्योंकि उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया तो अब वो भी चमत्कृत हो रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, चमत्कृत हो रहे हैं, एता सन्यासीर तेज देखी ब्रह्म स्वम, अब वो देख रहे हैं कि यार ये सन्यासी के अंदर जो तेज है ये तो ब्रह्म के समान है। शूद्र अलिंगन केना कारेन क्रंदन, ये शूद्र के साथ अलिंगन करके भी क्रंदन कर रहा है। अब ये भी लंबी बात है कि देखने वाला जो है वो कौन है, वो वैदिक ब्राह्मण है, वो देख रहे हैं तो ब्रह्म के समान मान रहे हैं, हम देखेंगे तो कहेंगे वाह इसके तो ऐसा चमक रहा है, एकदम कृष्ण की तरह इसका स्वरूप है, ये तो किशोरी जी की तरह चमक रहा है, हम ऐसे बोलेंगे। राम जी का भगत होगा वो तो राम जी के समान चमक रहा है, विष्णु के समान चमक रहा है, वैष्णव होगा कोई नहीं ये बोल रहे ब्रह्म के समान चमक रहा है, तो ठीक है सब सही है, जो जिसको मानता है वो उपमा उसकी उसी से करता है जो उसके लिए श्रेष्ठ है। अब कोई निंदा नहीं कर रहे वहां पे, क्यों? क्योंकि रामानंद राय संवाद ने कहीं वहां पे अपना मद नहीं दिखाया, हम कौन है हम ये सब करेंगे, नहीं उनके साथ जैसे उनके वो सब करके वैसे करके, और उसी का परिणाम है कि अब ये भी चमत्कृत हो रहे हैं और इनका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा इनको देखे। तो खैर अब शेष चर्चा जो है आगे करेंगे, अभी बड़ा लंबा समय हो गया। जय राधे।